नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? भारत के अलग अलग जगह से आप हमें देखते हो। सही में आप लोगों का कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगा था। सबसे पहले मैं शुरुआत कर रही हूँ यहीं से, जहाँ पे मैं अपने व्रत विधि उपाय के लिए बना रही थी एक पूजा रिलेटेड वीडियोस। और ये मेरा एक काम भी है और मुझे ये बहुत पसंद भी है, तो बस यहीं से शुरू कर रही हूँ। जो भी काम आप घर पर करते हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम है या आपका कोई हॉबी है या आप किसी से कुछ भी काम आप मतलब करते हो प्रोफेशनली, तो आप उस काम को बहुत दिल से करना। बस मेरा यही कहना है कि जो भी चीज़ आप अपने दिल से करोगे ना, उस चीज़ में आपको खुशी बहुत मिलेगी। पैसा देखो ज़रूरी होता है, ऑफ़ कोर्स पैसा बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन दिल से किया गया काम जो सेटिस्फेक्शन देता है इंसान को ना, वो चीज़ कहीं और आता नहीं है। मतलब ऐसी चीज़ करना चाहिए इंसान को, ऐसा जगह पे अपने लिए थोड़ी सी जगह ज़रूर बना लेनी चाहिए जहाँ हमें थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, मन की शांति मिले, चैन मिले, कुछ करके अच्छा लगे। तो बस मैं भी वही कर रही थी। ये इसके बाद खाना पीना बना लेंगे। और बेटे को जो ना पापड़ बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी पापड़ बना रही हूँ। और इसके बाद जो है ना, हम लोग सब खाना पीना कर लेंगे। हस्बैंड गया है ऑफिस के काम से और वो शाम तक वापस आएंगे, तो खाने के लिए अभी हम लोग 3 जन है। लेकिन पहले जो है ना, दोनों को खाना खिलाना पड़ता है, तीसरे को खाना मतलब गोल्डी के खाना खिलाने के बाद ही मैं खाना खाती हूँ, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आता है जब सब लोग खाना खा लेते हैं और उसका खाना बाकी रह जाता है। तो बस इसी तरह से मेरा दिनचर्या चलता है। कोशिश करती हूँ सारे चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करूँ जो एक लेकिन क्या होता है ना, एक आम जिंदगी कभी रूटीन माफिक नहीं चलता है। एक दिन आपको लगता है कि ये जो मैंने आज का रूटीन फॉलो किया, दैट इज़ वेरी गुड रूटीन फॉर मी, ऐसा हमें फॉलो करना चाहिए, ऐसा हमें करना चाहिए, बट क्या हो जाता है कि कभी किसी न किसी वजह से वो हमेशा हैपजर्ड हो जाता है, कभी कभी हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। लेकिन देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है कि मैं चीज़ें कुछ सोचती हूँ, कुछ और होता है। तो बस ऐसा है कि हमें उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए और कुछ नहीं। जैसे हमें थोड़े दिन बाद धीरे 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 वो आदत बनती है। आज आपने ठीक किया कि मैं 4 बजे उठूँगी और कल से रोज़ 4 बजे उठ गए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करने के लिए आपको कई महीनों की, कई सालों का एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ना वो बोलते हैं ना कि फल की चिंता मत करो, तो सही बात है, फल की चिंता करो। ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ मेहनत कर रहे हो उसका फल नहीं है, ऐसी बात नहीं है, फल की चिंता करो। लेकिन पहले अपने आप को समय दो, उस समय में जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो ना, उसके बाद आपको अपने आप ही फल दिखने लगते हैं। तो बस इन दोनों को खाना दे दिया। और आज जो है ना, बाहर का मौसम जो है ना, अचानक से एकदम से डाउन हुआ। मतलब जैसे ही आपको लगता है कि आज शाम को आप कुछ प्लानिंग बनाओगे ना, तो मौसम को पता चल जाता है कि ये जो है मैडम बाहर जाने वाले हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ है, इनके ज़रूरी काम है, तो मैं जो है ना तैयारी शुरू कर दूँ। खास करके बरसात में ये चीज़ होती है, स्कूल जाने के टाइम पर ज़रूर बारिश आएगी, ऑफ़िस निकलने के टाइम पर ज़रूर बारिश आएगी, ऑफ़िस से आते वक्त, स्कूल से लाने के वक्त बारिश आपको ज़रूर मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, बाज़ार जाने की अगर आपने प्लान किया है तो 200% लिख के रख लो कि आपको बारिश की सामना करना ही पड़ेगा। अरे पूरा जूतरा पैचर पैचर हो छे, कौन दिख दी हट गो। बस नंदिनी को ट्यूशन छोड़ के मैं घर आ गई, पूरा मतलब एक तरफ से तो गीला पूरा ही हो गई थी। और जो टॉप वगैरह मैं चेंज करके गई थी, मुझे पता था कि वहाँ पे बारिश में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है, थोड़ी सी बारिश हो ना पानी जमा होता है। अब से मतलब पूरा रोड घूम घूम के जाना पड़ेगा और वो बहुत ही लंबा रास्ता होता है। वो बेसिकली बिना मतलब का इतना घूमने का कोई मतलब नहीं बनता है, बट ये है कि ये जो शॉर्टकट वाली रोड है ना, इसमें पानी बहुत ज़्यादा जमा होता है, तो बारिश के दिन वो रोड यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो बस चलो अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ एक और नया चीज़। चलिए, कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बारिश आती है सिर्फ आपको भिगाने के लिए। सच बता रही हूँ, मतलब ऐसा होगा कि ठीक कहीं निकलने का टाइम होगा, ठीक उसी वक्त बारिश आएगी, खूब बारिश आएगी, एकदम गीला हो जाएगा, बाल चिपको चिपको हो जाएगा, पूरी तरह से गीला होने के बाद बारिश का। अभी एग्जैक्टली वही हुआ, बाहर बहुत अच्छे से मौसम बन गया है, कोई बारिश नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस हमें जाने के टाइम पे भिगा दिया। चलो एक और पार्सल आया है, आप लोगों के साथ शेयर करूँ।
आप लोग बोलोगे कितनी पार्सल मंगाते रहते हो। क्या होता है ना, एक बार बैठ के जब ऑर्डर करते हो ना, तो जो जो चाहिए होता है सभी चीजें ऑर्डर हो जाती है, उसमें 7-8 चीजें तो हो ही जाता है। अब आने के टाइम पे क्या होता है, एक एक करके आते तो ऐसा लगता है एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, मतलब कितने ही आया, पर वही 8 चीजें अगर एक साथ आ जाए तो एक ही दिखता है, बस वही है। तो ये ना मैंने ये एक बहुत बड़ी काम की चीज मंगाया है, अगर अच्छा निकले, भगवान करे अच्छा निकले, अच्छा निकले तो बड़ा काम का हो जाएगा। तो ये है मतलब, और ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजर होता है ना, जिसमें मतलब क्रीम पाउडर वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। क्वालिटी वाइज मतलब प्राइस के हिसाब से क्वालिटी अच्छी लग रही है मुझे। और यहाँ पे ना छोटे छोटे दो ड्रॉयर्स दिया हुआ है, जिसमें वो इयररिंग्स वगैरह, छोटे छोटे चीजें, क्लिप्स और रबर बैंड वगैरह होता है, बहुत सारी चीजें इसमें रख सकते हैं। तो ये काफी अच्छी है, देखो ड्रॉयर पूरा निकल के बाहर आता है, तो अगर मतलब गंदा हो जाए बाय चांस कुछ ये, तो ये पूरा निकाल के धो के फिर लगा सकते हो। तो ओवरऑल मुझे क्वालिटी अच्छी लगी है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे होल दिया हुआ है, दिख रहा है इस तरह से, तो इससे क्या होता है ना, ब्रीदेबल रहता है, मतलब अगर आप धोते भी हो तो यहाँ पे कुछ जमा नहीं हो जाता है, पानी वगैरह ये सारी चीजें ना जमा नहीं होती। तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे, तो ये एक चीज बहुत प्यारा सा मिल गया मुझे। और बारिश होती है तो कोई कोई चीजें ना बड़े अच्छे अच्छे हो जाता है, जैसे ना आज मुझे ना बहुत दिन बाद बेलपत्र मिला है, और वो भी एकदम छोटी बड़ी, आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारे प्यारे बेलपत्र मिला है। तो ये देखो, ये वाली बेलपत्र मिला है, हाँ ये बहुत ही मतलब जो छोटे वाले बेलपत्र होता है ना वो वाले है, मैं एकदम सामने से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बेलपत्र बहुत मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, और ये बड़े पेड़ का ही है, लेकिन बहुत छोटे छोटे बेलपत्र आते हैं इसमें। तो इसमें ना बीच में क्या हुआ था, बिल्कुल पत्ते नहीं थे, बिल्कुल भी पत्ते नहीं थे। अब इसमें ना बहुत प्यारे प्यारे पूरे पेड़ में एकदम भरा हुआ पत्ते आए हैं, बहुत सुंदर सुंदर पत्ते आए हैं, छोटे छोटे एकदम, ये देखो एकदम छोटे छोटे आए हैं। तो मतलब सावन आ रहा है, पता चल रहा है कि हाँ भाई सावन आ रहा है। तो एक तो बारिश होती है, थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है, लेकिन ये है कि सावन में अच्छा बड़ा लगता है। तो ये जो है ना, ये पत्ते मैंने पूरा, वैसे तो बड़ा पेड़ है, बहुत ज्यादा पत्ते थे, पर कुछ भी चीज ज्यादा तोड़ना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इसमें 5-7 बेलपत्र लेके आई हूँ, ठीक है। तो छोटे छोटे है, ये बड़ा अच्छा है। और आप लोग पूछ रहे थे ना कि घर पे बेलपत्र का पेड़ है तो क्या उसका बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, तो ऐसा होता ना कि देखो ऐसा है कि अगर आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिल रहा है, आपके घर में है तो आप चढ़ा रहे हो, तो वो अलग बात होती है। बट वैसे देखा जाए तो जिस भी फल का पेड़ में फल नहीं लगा है, उसका पत्ते नहीं चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो बेल में भी ऐसा है कि जो बड़े बेल के पेड़ होते हैं, जिसमें फल आता है, जिसमें बेल लगती है, उसी के पत्ते चढ़ाया जाता है, कोई छोटे पौधे का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। तुलसी विवाह में भी आप लोग ने देखा होगा कि जिस तुलसी में मंजरी नहीं आती है, उनकी विवाह नहीं किया जाता है, बच्चे छोटे बच्चे का विवाह नहीं होती है। तो एक मतलब एक उम्र के बाद ही चीजों मतलब एक मायने होती है, चीजों का एक मायना होता है, ठीक है। तो ये जो बेलपत्र है, किसी बड़े पेड़ का ही लाना चाहिए, बड़े पेड़ का ही लगाना चाहिए। अगर बिल्कुल कोई भी ऑप्शन नहीं बच रहा है तो फिर क्या कर सकते हैं, तब क्षमा मांग के अपना हिसाब से देख लीजिएगा जो भी करना है। तो मैंने ये लेके आई हूँ, सोमवार मतलब चढ़ाएंगे। और इसका सबसे अच्छी बात क्या है पता है, आप चढ़ा दो बेलपत्र, चढ़ाने के बाद आप पूजा होने के बाद इनको धोकर रख सकते हैं, या अगले दिन धोकर फिर से दे सकते हैं। बेलपत्र बासी नहीं माना जाता है। और अगर एकदम से आप सूख जाता है तो उसके चूर्ण बनाकर उस चूर्ण को भी भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो इतना पवित्र माना जाता है, इतना वो माना जाता है, ये खराब किसी भी हालत में नहीं माना जाती है। बस इतना है कि जब आप चढ़ाओगे तो दो चीजों का ध्यान रखना होता है। एक जो ये बेलपत्र होता है, ये कटाफटा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल पूरा होना चाहिए एकदम। और ये नीचे जो मोटा सा होता है ना, जहां से पेड़ के साथ लगा रहता है, इसको काट देना चाहिए, इसको इस तरह से घुमा के डंठल को काट के फिर चढ़ाना चाहिए। बस ये दो चीजें ध्यान रखना होता है। तो ये एक चीजें मिल गई, पता नहीं आप लोगों को मतलब ये कैसा लग रहा है, कैसा आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि लग रहा है कि मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, लेकिन सच बता रही हूँ, जब आपको ये सब चीजें मिल जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी ना जब मिल जाता है ना, बेलपत्र मिल जाता है, धतुरे के फूल मिल जाते हैं, फूल मिल जाते हैं, तो सावन के महीने में ना मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान ने खुद ही दे दिया कि लो भैया ले लो और चढ़ा दो। मतलब पता नहीं क्यों, एक मैं अपना फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज आई, और एक चीज आया है, चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी देखो, बाहर का धूप देख के, सूरज देख के कोई कहेगा कि थोड़ी देर पहले इतनी बारिश हुई है,
पूरा उधर मैं एकदम मतलब इतनी पानी भी जमा हो गया था, इतना ज़्यादा बारिश हुई थी। और अब जो है ना आसमान एकदम साफ है, मतलब कैमरा में तो क्या बोलूँ, अभी बहुत ही ज़्यादा साफ है, बहुत ही अच्छा आसमान बन गया एकदम से ब्लू ब्लू। अच्छा जो चीज़ नया आया है, अच्छा ये देखो, ये ना मेरा जो बेलपत्र का पेड़ है ना उसके पत्ते की साइज़ देखो कितनी बड़े बड़े साइज़ के आ रहे हैं, दिख रहा है। और ये अपने आप ही पता नहीं कैसे फट रहा है ये, बाकी तो ये तो एकदम बच्चा सा है, बहुत छोटा है। और ये तो उससे भी बच्चा है, देखो कितने छोटे छोटे हैं, इतना मतलब इतना प्यारे प्यारे लगते हैं ना सच्ची में, एकदम छोटे छोटे बच्चे जैसे लगते हैं। और ये है आंवला, ठीक है ये सब तो दिखाया। चलो एक चीज़ जो नया आया है वो बता दूँ, ये वाली पौधा अभी अभी मैं लेके आई हूँ, ये जो है ना इनको मैं अभी अभी लेके आई हूँ, तो इसमें भी जब फूल आएगा ना तो बड़ा प्यारा दिखेगा। और आप लोगों को याद है कि मैंने ये दिखाया था ना अपराजिता का, इसका ना कई बार फूल आ चुका है, बहुत अच्छा लगता है। एक और आने वाला है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो ये वाला आने वाला है, ठीक है एक दो हो सकता है कि और होगा, मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, जब ये फूल आएगा तो दिखाई देगा। और ये कितनी बड़ी हो गई देखा है ना, फटाफट बढ़ रहा है एकदम, बहुत बड़ी हो गई ये देखो, इतनी छोटी सी थी, अब ना ये इसको ना अब इसको कुछ सहारे की ज़रूरत है, नहीं तो ये गुलाब के पेड़ को बार बार पकड़ रहा है, तो इसकी एक सहारा की व्यवस्था करूँगी। और ये देखो ये छोटे छोटे जो आ रहा है ना, फोकस ही नहीं हो रहा तो क्या दिखाऊँ, एक मिनट रुको, ये देखो ये जो छोटे छोटे आ रहे हैं ना ये भी फूल बनेंगे है ना, ये भी फूल बनेंगे। और ये जो है ना ये बड़ा हो रहा है, ये भी पत्ते और ये आगे बढ़ रही है, तो इसी तरह से ना ये आगे बढ़ता है। देखो यहाँ पे भी एक है, ठीक है तो यहाँ पे पता नहीं क्यों फोकस का बहुत ही दिक्कत आ रही है। तो ये पौधा भी काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन गुलाब के फूल पौधे में इसने बोला था कि बहुत ही अच्छे से फूल आएगा, एक भी फूल नहीं है अभी गुलाब के पौधे में, एक भी फूल कहीं से भी कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों, मुझे मैं बड़ा दुखी हो गई इस बात से, तो एक भी फूल नहीं आया करके। चलो अभी तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग में कुछ भी अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, आप लोगों का प्यारा प्यारा कमेंट देखना, पढ़ना, जवाब देना, सारी चीज़ें बहुत अच्छे लगते हैं। बस एक आम जिंदगी एक आम व्लॉग, कल मिलूंगी एक नया व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा टेक केयर।